सो हाय फेलो गाइस, टैंगो है। सो गाइस, काफी टाइम से हमारे दिमाग में क्वेश्चन था कि जो BGMI में से प्रीमियम क्रेडिट गायब हो गए हैं कि आखिर गेम में कब तक वापस आएंगे, एंड साथ ही साथ जो 8 वर्सेस है TDM की जिसकी स्टार्टिंग में हम लोग बातें कर रहे थे, गेम में IED 1.8 के अपडेट के साथ, तो ये भी कब तक आएगा। तो दोनों की रिलीज डेट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, एंड साथ ही साथ और भी काफी कमाल के अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में देखेंगे। मतलब कुल मिला के मजा आ जाने वाला है। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को 1.8 का अपडेट आने से पहले बता दिया था कि गेम में 8 वर्सेस 8 TDM आने वाला है, एंड उस टाइम मैंने आप लोगों को उसके गेम प्ले भी दिखाया था कि 8 वर्सेस 8 TDM कैसा रहने वाला है, उसके अंदर कैसा कैसा मैप रहेगा एंड क्या क्या चीजें रहने वाली है। लेकिन 1.8 को आए लगभग एक महीना होने वाला है गेम के अंदर, ये 8 वर्सेस 8 TDM आए ही नहीं, जो चीज आप लोगों को भी काफी खराब लगी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे खराब लग रही थी क्योंकि मैं भी काफी एक्साइटेड था इस 8 वर्सेस 8 TDM को खेलने के लिए। लेकिन फाइनली हम लोगों को पता लग चुका है ये TDM कब आएगा, एंड ये ऑफिशियल डेट है, इसी डेट पे हम लोगों को 8 वर्सेस 8 TDM गेम में देखने के लिए मिलेगा। एंड हम लोगों को इस टीडीएम को 8 वर्सेस 8 TDM कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि BGMI एंड PUBG वालों ने इसका ऑफिशियल नेम रखा है सेंट्यूनम। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला हमारा TDM रहने वाला है, ये TDM लोगों को 10 फरवरी को गेम के अंदर ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज हो सकती है कि जो TDM है ऑफिशियल डेट इसकी 10 फरवरी है, लेकिन BGMI में कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो अपडेट होते हैं डिले हो जाते हैं 1-2 दिन, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो TDM हम लोगों को 12 तक देखने के लिए मिल जाए। लेकिन हाँ, जो PUBG वाले हैं, जितने भी PUBG वाले के और वर्जन है PUBG के यार, उन सबके लिए ऑफिशियल डेट 10 फरवरी ही रहने वाली है, एंड होप सो हम लोग को भी 10 फरवरी को देखने के लिए मिल जाएगा 8 वर्सेस 8 TDM गेम के अंदर, एंड मैक्सिमम 12 तक ही आ जाएगा। आफ्टर इट, अगर आप लोगों ने आज के दिन इवेंट सेक्शन को चेक किया तो आप लोगों ने देखा होगा काफी कमाल की चीजें गेम के अंदर आई है। लाइक आप लोग देख सकते हो रेड डायमंड एक्सचेंज नाम से सबसे पहले एक इवेंट आया गेम के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको काफी टाइम पहले बता दिया था कि जो हमारा रे नाम का रोबोट होता है ना, उसकी फर्स्ट एवर आउटफिट आने वाली है गेम के अंदर। ये हमारी इसकी आउटफिट आने वाली है, जो छोटू सा यहाँ पे रोबोट खड़ा रहता है ना, आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटफिट के अंदर देखा होगा, लेकिन ये वाली आउटफिट हमें फ्री में मिल सकती है, बट एक्चुअली ये पूरी फ्री में मिलेगी भी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होने वाला है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि देखो यार ये तो बिल्कुल सिंपल सा इवेंट है यार, स्टैंगो क्यों बता रहा है इसके बारे में, देखो आमतौर पे इसको देख के ही लग रहा है कि हमें डायमंड्स को कलेक्ट करना है एंड उसके बाद डायरेक्ट जाके ये आउटफिट हो गई, ये प्लेन की स्किन हो गई, इनको रिडीम कर लेना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं इस वाले इवेंट के अंदर, हमें इन मिशंस को नॉर्मली कंप्लीट करना है, हमें ये डायमंड मिल जाएंगे और एक दिन में मैक्स टू मैक्स हम लोग को 8 डायमंड मिल सकते हैं। ये जो इवेंट है टोटल हम लोगों का लगभग 10 दिन चलने वाला है, तो हमें टोटल से 80 डायमंड मैक्स टू मैक्स मिल जाएंगे, एंड उसके बाद कोई और इवेंट आएगा जिसमें मैक्स टू मैक्स हम लोग को 100 डायमंड मिल जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि हम लोग इनको बिल्कुल ही फ्री में ले पाएंगे सारे के सारे, जैसे 600 डायमंड हमें बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मैक्स टू मैक्स आपको 180 या 160 डायमंड मिलने वाले हैं दो इवेंट्स को मिला के, क्योंकि इसके दो इवेंट्स आएंगे, जैसे ही कभी ये वाला आया हुआ है इसी टाइप से एक और इवेंट आएगा जिसके अंदर मैक्स टू मैक्स 100 डायमंड मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो बात आती है यहाँ पे हमारे जो और डायमंड बचे हुए हैं, जैसे कि 600 डायमंड कंप्लीट करने के लिए इतने सारे डायमंड हम लोगों को मिलने कहां से वाले हैं, तो भाई वो चीज हम लोगों को परचेस करनी पड़ेगी। अगर हम लोग शॉप में जाते हैं ना, हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 20 UC का एक डायमंड ये लोग दे रहे हैं, तो आप लोग खुद ही अज्यूम कर लो कि अगर हम लोग को 10 डायमंड भी चाहिए ना, तो हम लोग को 200 UC देने पड़ेंगे उसके लिए, सिर्फ 10 डायमंड के लिए, और हम लोग को टोटल 600 चाहिए, तो कम से कम हम लोग को 10,000 UC खर्चने पड़ जाएंगे इन सारे के डायमंड को कंप्लीट करने के लिए। तो यार ये बहुत ही ज्यादा महंगा सौदा रहने वाला है, तो आप लोग देख लेना। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें फ्री में मिल जाएगी पूरी आउटफिट, तो नहीं रहने वाली है, लगभग 10,000 से 8,000 UC आपको जेब से खर्चने पड़ेंगे, बाकी ये थोड़े बहुत आपको डायमंड दे देंगे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज जरूर है कि अगर आप लोग ये वाली जो आउटफिट है ना लेना चाहते हो बिल्कुल ही फ्री में, तो हाँ ये वाली आउटफिट जो इसका हेडगियर है वो तो आपको पता है दूसरी आउटफिट का स्पार्टन सेट का, लेकिन जो नीचे की ये जो पूरी आउटफिट है स्पाइडरमैन वाली जो ट्रैक सूट टाइप का, तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हो तो आपको ये बिल्कुल ही फ्री में मिल सकता है, क्योंकि लगभग 80 से लेके 120 डायमंड 130 डायमंड तक आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलेंगे, एंड इस वाले को आप लोग रिडीम कर सकते हो 80 में। तो यही एक चीज है जो मेरे हिसाब से आप लोग फ्री ले पाओगे, एंड अगर BGMI वाले बहुत ही दयावान हो गए तो शायद आपको ये प्लेन की स्किन मिल जाएगी, बट एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो प्लेन ज्यादा बढ़िया है नहीं, एक नॉर्मल सा प्लेन का लुक है, कुछ खास उसके अंदर है नहीं, तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना बेकार ही है, आउटफिट के लिए हमें जाना चाहिए। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि रे रोबोट वाली स्किन ले लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं मिल पाएगी हम लोग को बिना UC के, तो अभी आप लोग क्या लेने में इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आफ्टर गेम के अंदर कल के दिन एक काफी बढ़िया इवेंट आया था, आपको पता है फरवरी में वैलेंटाइन आता है, एंड उसके रिटर्न हैप्पी वैलेंटाइन डे नाम से काफी अच्छा इवेंट आया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों को परमानेंट चीजें मिलने वाली है। हालांकि जो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स है ये रिपीट हो रहे हैं काफी टाइम पहले से गेम के अंदर है, बट इनकेस अगर आप लोग उस समय उनको नहीं ले पाए हो, एक बार ये यूसी से आए थे और अभी भी अगर आप लोग चाहो तो इनको सिल्वर फ्रेगमेंट से परमानेंट ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सिल्वर भी नहीं और यूसी से आप लोग उस टाइम ले नहीं पाए थे, तो अभी आपके पास चांस है इस वाले बैग को बिल्कुल ही फ्री में लेने का। ओवरऑल फनी सा वैसे ये बैकपैक लग रहा है, तो इसके लिए जस्ट हम लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को काफी सही इवेंट मिल जाएंगे। लाइक थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चलते हैं, 2-3 इवेंट्स इसके आए हुए हैं। लाइक सबसे पहले इसमें इवेंट है रिवाइव एंड लव, इसके अंदर हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट अपने टीममेट्स को रिवाइव करना है 10 बार 20 बार 30 बार, एंड उसके बदले हम लोग को ये डब्बे से मिल जाएंगे, टोटल 60 डब्बे हम लोग को यहाँ से मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा और भी यहाँ पे इवेंट है, लाइक ये हर दिन आएगा इवेंट, इसके अंदर जस्ट अपने टीममेट्स को पॉपुलरिटी देनी है, एंड उसके बदले एक डब्बा आप लोगों को मिलता रहेगा, तो इसके अंदर वैसे जो रिवॉर्ड है काफी छोटा रहने वाला है, बट यस आप लोग इसको धीमे
धीमे धीमे धीमे कलेक्ट कर सकते हो। एंड मेन क्या है कि इसको आप लोग लेने के लिए जस्ट आप लोग को रिवाइव एंड लव वाला इवेंट को कंप्लीट करना है, एंड उससे आप लोग को ये बैग तो मिल ही जाएगा। एंड उसके अलावा ये जो स्टिक है ये भी आप लोग देख सकते हैं, ओवरऑल ये एक मेली वेपन ही रहने वाला है। तो इनकेस अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इसके अंदर तो उनको भी ले सकते हैं, या फिर नीचे आप लोगों ने क्लासिक रेट स्क्रैप रेट दिए हुए तो उनके लिए भी आप लोग जा सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग किसके लिए इंटरेस्टेड ज्यादा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपडेट आई गेस आप लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन काफी टाइम से आ रहा होगा कि यार प्रीमियम क्रेड बीजीओएम में से जाए कितना ज्यादा टाइम हो चुका है, एंड आप लोगों ने भी कितने सारे कूपन अभी तक संभाल के रखे होंगे प्रीमियम क्रेड के। मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में लोग लिखते होते हैं कि भाई हमारे पास इतने सारे कूपन है प्रीमियम क्रेड के, बट क्या करें प्रीमियम क्रेड आई नहीं रहे गेम के अंदर। बट अच्छी खबर ये कि जो टाइम इतनी देर से हम लोग वेट कर रहे थे फाइनली खत्म होने वाला है, क्योंकि चार दिन के बाद यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि हमें प्रीमियम क्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे। लगभग आप लोग मान सकते हो कि 8 फरवरी तक हम लोग को प्रीमियम क्रेड गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड वो रिप्लेस करेंगे स्पेशल क्रेड्स को। एंड ये चीज आप लोग सोचो कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी आप लोग गेम के अंदर देखो हमारे पास हर क्रेड है। अब ये देख सकते हो जैसे हमारे पास क्लासिक क्रेड भी है जो कि काफी टाइम पहले गेम में से चला गया था, एंड उसके बाद हमारे पास जितने भी जैसे कि सप्लाई क्रेड है ये भी, एंड इसके बाद ये तो रैंडम क्रेड्स है जो आते जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक क्रेड की कमी है जो है प्रीमियम क्रेड, जिसकी अगर आप लोग याद करो जगह भी स्पेशल क्रेड नहीं ली थी। आपको याद होगा जब हमारी 21 जनवरी को क्रेड आने वाले थे तो उस दिन कौन सा क्रेड आ गया था, प्रीमियम क्रेड नहीं आया था, उस दिन आ गया था ये स्पेशल क्रेड गेम के अंदर। एंड हम लोग भी परेशान हो रहे थे भाई ये वाला क्रेड क्यों आ गया, बट फाइनली ये वाला क्रेड 8 फरवरी को चला जाएगा, एंड इस वाले क्रेड के बाद हम लोगों को 99.9% प्रीमियम क्रेड गेम के अंदर दिखने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को 8 या 9 फरवरी को एक्चुअली बीच में देगी प्रीमियम क्रेड, या फिर से कोई स्कैम कर देगी और हम लोगों को छोटे मोटे कोई अलग से क्रेड चिपका देगी? वैसे मेरे हिसाब से प्रीमियम क्रेड 99.9% आ जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। एट लास्ट आप लोग देख सकते हैं हमारी गेम के अंदर कुछ टाइम के अंदर आने वाले हैं अप्रैल फूल क्रेड। आप लोगों को पता होगा हर बार अप्रैल के महीने में गेम के अंदर क्रेड्स आते हैं, एंड ये कस्टम क्रेड आने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जेस्टर सेट, ये वाला सेट काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, एंड ये वाला सेट जो पूरा को पूरा किसी को मिल जाए ना काफी सही लगेगा। आफ्टर ये वाला सेट आप लोग एक बार चेक कीजिए, ये आउटफिट इतनी ज्यादा सही है ना, जो इसका इमोट है एक्चुअल में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, एंड ये वाली आउटफिट ही अपने आप में मिलनी काफी सही रहने वाली है। जो इसका डिजिटल टाइप का इमोट है ना काफी सही लग रहा है, एंड गेम के अंदर बहुत ही कम ऐसी आउटफिट है जिनके अंदर ये वाले फीचर्स है। तो क्या आप लोग को ये आउटफिट सही लगी या फिर नहीं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इसके अंदर एक और चीज है जो मैं आपको बताया था, ये जो कस्टम क्रेड रहने वाले ना काफी हद तक चांसेस है कि ये कस्टम क्रेड बीजीओएम में एक्चुअल में आएंगे ही नहीं स्टार्टिंग के टाइम में, हो सकता है बाद में ये लोग लेके आ जाए अप्रैल के एंड तक में, क्योंकि जब हमारा अप्रैल आने वाला है उससे पहले गेम में आएगा मार्च, एंड मार्च में आपको पता है कि हम लोगों की होली होती है, एंड होली के लिए स्पेशल क्रेड गेम के अंदर आने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं वीडियो एंड में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लोग स्पेशल होली क्रेड देख लेना जो हमारे बीजीएमआई में मार्च के अंदर आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बीजीएमआई के लिए रहने वाले हैं, पबजी में नहीं आएंगे। एंड ये वाले जो कस्टम क्रेड अभी हम लोग देख रहे हैं ये कस्टम क्रेड हम लोग को अप्रैल की स्टार्टिंग में या फिर अप्रैल के मिड में देखने के लिए मिल सकते हैं बीजीएमआई में। ये चांसेस भी है कि ये पबजी में पहले आ जाए, एंड यस इसके अंदर फूल भी आने वाली है गेम के अंदर, हम लोग को बीजीएमआई में फूल एक बार फिर लेने का चांस मिलेगा, हर साल ही मिलता है वैसे अप्रैल के टाइम पे, एंड यस इसके अंदर हम लोग को फिर से मिलने वाला है। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो इन क्रेड्स के लिए या फिर नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मैं एक बार फिर से क्लेरिफाई कर दूं कि ये कस्टम क्रेड रहने वाले हैं, एंड बीजीएमआई में ऐसा चांस है कि पबजी में से लेट आएंगे, मतलब पबजी में पहले आ जाए क्रेड, एंड बीजीएमआई में कुछ दिनों के बाद एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद, क्योंकि हमारा एक अलग भी प्लान है होली क्रेड्स का जो कि बीजीएमआई में आने वाले हैं पबजी में नहीं आने वाले। तो इन दोनों को मैच करने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, एक दो दिन या फिर एक आधे हफ्ते ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट यस चांसेस यही है कि दोनों के दोनों क्रेड बीजीएमआई में आएंगे जरूर। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो इसके लिए या फिर नहीं हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ये सारे के सारे क्रेड्स आप लोग देख लीजिए। स्पेशल जोकर बाइट भी आने वाली है इसके अंदर, काफी ज्यादा सही लग रही है वाली बाइक की स्किन, वैसे पिंक कलर ये लोग मतलब पिंक एंड जो पर्पल टाइप का कलर होता है ना इस पे काफी ज्यादा यूज करते हैं। एक स्पेशल पैन का कलर भी आने वाला है, पैन का कलर नहीं बेसिकली पैन की स्किन आने वाली है, एंड ये बैक की स्किन तो आप लोग देख ही सकते हैं काफी ज्यादा सही लग रही है, थोड़ा मम्मी जैसा लुक दिया गया इस बैक को। तो गाइस यही कुछ मेजर अपडेट्स इस वीडियो के अंदर, आई होप आप लोगों ने वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा, एंड अगर एंजॉय किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रॉम स्टैंगो, बाय बाय।